गाइज, क्या आपका भी फेसबुक अकाउंट जो है डिसेबल हो चुका है? वी डिसेबल योर अकाउंट, कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। एंड गाइज, आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर नहीं हो रहा है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग अपने डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं एंड किस तरह से आप जो फिर से रीओपन कर सकते हैं। बट गाइज, उससे पहले आप जान लीजिए कि आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल क्यों होता है। तो भाई, आप जब भी अपने फेसबुक अकाउंट में कुछ भी गलत एक्टिविटी करते हैं जिसके वजह से फेसबुक आपका अकाउंट जो है डिसेबल कर देता है। अब गाइस, बात करते हैं कि इसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, कैसे हम फिर से अपना डिसेबल फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए यहां पे आपको जो सबसे फर्स्ट में अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना होगा। एंड मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको जो है सबसे फर्स्ट में आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। एंड क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको जो है सिंपली सर्च बार में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा फेसबुक हेल्प सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको फेसबुक हेल्प सेंटर टाइप कर देना होगा। एंड इतना टाइप करने के बाद आपको जो सर्च कर देना होगा, ठीक है। एंड सर्च करने के बाद यहाँ से आपके सामने फेसबुक हेल्प सेंटर रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विद फेसबुक हेल्प सेंटर लॉगिन एंड पासवर्ड अकाउंट डिसेबल हैक एंड फेक अकाउंट, यहाँ से आपके सामने ये सभी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है अकाउंट डिसेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जिससे आप अकाउंट डिसेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक देंगे तो यहां से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। वाज दिस हेल्पफुल, यस एंड नो। तो यहां पे आपको जो है सिंपली नो पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहां पे नो पर क्लिक कर देते हैं। नो पर क्लिक करने के बाद सेकंड में आपके सामने द सॉल्यूशन डज नॉट वर्क का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको करना क्या होगा, यहां पे आपको जो अपील को कॉपी करके पेस्ट करना होगा जो कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे अपने अपील को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने अपील को कॉपी कर चुके हैं एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सिंपली आपको भी इस तरीके से ऑप्शनल में आपको अपील को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो है नीचे फुल नेम जीमेल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देना होगा अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे आपके सामने जो है सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। एंड जिससे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से थैंक्स का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप करने के लिए आपको जो सिंपली ऊपर में थ्री डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद लास्ट में पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग पर क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ से कुछ लोडिंग लगा। एंड उसके बाद सेकंड में रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विद फेसबुक का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो सिंपली रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विद फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाए। एंड यहाँ से आपके सामने गिव फीडबैक अबाउट इट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली गिव फीडबैक अबाउट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अस्प्रोक्टिव फीडबैक का। यहाँ पे आपको जो है सिंपली अस्प्रोक्टिव फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप अस्प्रोक्टिव फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने गिव अस फीडबैक अबाउट ए फेसबुक का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म टाइप का ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो फिलअप किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट में योर ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना वो ईमेल डालना होगा जो आपके डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट में ऐड था, ठीक है। जो आपके फेसबुक अकाउंट में ऐड था वो ईमेल डाल देना होगा फर्स्ट में। एंड उसके बाद आपको जो है सिंपली प्रोडक्ट और फीचर पर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे लॉगिन सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक। एंड यहाँ पे लॉगिन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके सामने योर फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है अपील को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। तो अपील किस तरीके से मिलेगा, अपील आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आपको कॉपी करना है एंड यहां पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद आपको जो है अपना अकाउंट का डिटेल डाल देना होगा अपील में। एंड उसके बाद सिंपली आपको सेंड पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं, अपने फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। एंड फॉर्म को फिलअप करने के बाद सेंड पर क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे आप सेंड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने जो है हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फेसबुक हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लगभग 24 से 48 घंटे वेट करना है। एंड 24 से 48 घंटे में फेसबुक की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो डिसेबल अकाउंट है वो फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से रिकवर हो जाएगा। तो
तो गाइज यही था आज के वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।